स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर 4 का वर्कशीट नंबर 3। तो इस वर्कशीट में हम स्टडी करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के रिलेशन के बारे में, आल्सो हम स्टडी करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेशन के बारे में। जैसे लास्ट यानी कि प्रीवियस वर्कशीट में हमने देखा था कि एक वर्कशीट पूरा इनवर्स वेरिएशन का था, एक वर्कशीट पूरा डायरेक्ट वेरिएशन का था। अब ये जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, इसमें आपको जज करना है कि जो गिवन सिचुएशन है वो डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनवर्स वेरिएशन में है, और अकॉर्डिंगली उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पे समझ लें कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम टेकन बाई हिम और हर। इसका मतलब कि जितना ज्यादा एक पर्सन टाइम लेगा उतना ज्यादा वर्क वो कंप्लीट कर पाएगा, राइट? सो डायरेक्ट वेरिएशन में है। दूसरा, नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर वर्क वेरीज इनवर्सली विद द टाइम टेकन बाय देम। मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये इनवर्स वेरिएशन में है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में है, जैसे स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट वेरी डायरेक्टली। इट मींस स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन अ पर्टिकुलर टाइम वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहां पर जब स्पीड कॉन्स्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे। वैसे ही अगर स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर, वैसे ही स्पीड और टाइम, राइट? अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है और स्पीड चेंज हो रहा है तो स्पीड और टाइम इनवर्स वेरिएशन में होंगे। ओके, और वैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग बॉडी वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। ओके, सो टाइम और डिस्टेंस आप समझ गए होंगे कि ये डायरेक्टली वेरिएशन में होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। इफ ही वॉन्ट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क इन अ डे। तो रमित एक वर्क को 25 डेज में फिनिश कर लेता है अगर वो एक दिन में 8 आवर्स वर्क करता है, और अगर उसको वो वर्क 20 डेज में कंप्लीट करना है तो उसको एक दिन में कितने आवर्स वर्क करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा आवर्स वो एक दिन में वर्क करेगा उतना जल्दी, यानी उतना कम टाइम में, उतना कम डेज में उसका वो वर्क फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, When the one quantity is increasing, the other is decreasing, मतलब इनके बीच में रिलेशन है इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन का मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया आपको, x1y1 = x2y2, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है दोनों क्वांटिटी का एट एवरी सिचुएशन। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25 × 8 = 20/y। तो हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, सो y विल बी 25 × 8/20, सो 5 4 5 5 4 1 4 2, तो y की वैल्यू हो गई 10। सो ही हैज टू वर्क 10 आवर्स पर डे सो दैट ही कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उदित कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज can complete the work, what amount of work will he complete in 8 days? अगर उदित एक पूरे वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट कर पाएगा वो 8 डेज में। तो वन वर्क, अगर हम किसी भी एक कंप्लीट वर्क को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 1/1 यानी कि 1। सो अ होल वर्क, अ कंप्लीट वर्क can be written as one work. So if we say that कि वो 10 days में 1/1 fraction complete कर लेता है अगर किसी work का, तो 8 days में what fraction of work he can complete, मतलब वो कितना fraction of work complete कर लेगा।
अब यहां पर भी आप देखो कि जितने ज्यादा दिन वो वर्क करेगा उतना ज्यादा वर्क होगा, राइट। जितने ज्यादा दिन तक, तो इसका मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब दे बोथ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सो डायरेक्ट वेरिएशन आपको पता है, x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2, और ये हो जाएगा 1 बाई 10 इज इक्वल टू x बाई 8, एंड दैट यू कैन राइट x इज इक्वल टू 8 बाई 10, सो 2 4s आर एंड 2 5s आर, सो x इज इक्वल टू 4 बाई 5, सो ही कैन कंप्लीट द 4 बाई 5 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। ओके, सो लेट स्टार्ट, सो मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर कमिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। 20 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 डेज, देन हाउ लॉन्ग इट टेक 12 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल। तो ये तो बात पक्की है कि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा मैन होंगे वहां पर, उतनी जल्दी यानी उतने कम टाइम में ये वॉल कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग, इट मींस द रिलेशन इज इनवर्स वेरिएशन। अब आपके दिमाग में भी ऐसे प्रॉब्लम्स देख करके ऐसे क्वेश्चन मार्क आते होंगे, राइट। सो डोंट वरी, आपको बस ऐसे जज करना है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। अब यहां पर देखते हैं कि क्योंकि अब ये इनवर्स वेरिएशन है, फॉर इनवर्स वेरिएशन यू नो दैट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, एंड ऑल्सो वी शुड मेक अ टेबल। सो इफ आई एम टेकिंग मैन, नंबर ऑफ मैन in x and number of days in y, so what will happen, we can see that 20 men can finish the work in 9 days, how long it will take for 12 men to complete the work. So now we put this into the formula, so 20 into 9 is equal to 12 into y. So y will be 20 into 9 by 12. So 3 3s are 3 4s are 4 1s are 5 3s are y is equal to 15. So if 12 men work together, the wall will be complete. Wall will be completed in 15 days. 15 days, right? Hope you must have understood. Chalte hain next question, question number 4. Okay, a nice question. Geetika waves 20 baskets in 30 days. In 30 days, how many days she will wave? In how many days she will wave 120 baskets? So, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर baskets हैं, ऐसे wave किए जाते हैं, आपको पता होगा. You must have seen this in the markets. So, Geetika is waving such baskets. 20 basket 30 डेज में, और अब हमको ये बताना है कि 120 ऐसे baskets बनाने में कितने दिन का टाइम लगेगा. तो यहाँ पर आप देखो वर्क और टाइम, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा. इट मींस जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतने ज़्यादा basket बनेंगे, या जितने ज़्यादा basket बनाने हो उतने ज़्यादा दिन स्पेंड करने पड़ेंगे. इसका मतलब दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं और एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं, ये रिलेशन डायरेक्ट वेरिएशन है. और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. सो x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2. सो वी कैन मेक अ टेबल. सो हियर वी कैन टेक नंबर ऑफ बास्केट्स in x and days y में ले लेते हैं. ओके, सो यू कैन सी फॉर 20 बास्केट शी नीड्स 30 डेज, फॉर 120 बास्केट y डेज. ओके, सो नाउ वी पुट इनटू द फॉर्मूला 20 by 30 इज इक्वल टू 120 by y, दैट इंप्लाइज टू y इज इक्वल टू 120 into 30
by 20. So this 0 and 0 cancel, 2 1s are 2, 6 are. So y ki value ho gai 180. So she needs 180 days to complete 120 baskets. Okay, hope you must have understood. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में. और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत ध्यान से आप समझिए ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी. अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. तो आप समझो यहां से एक ट्रेन आ रही है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन खड़ा है. तो इस ट्रेन को, इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, सोचिए और सोच कर आंसर दीजिए. तो इसका आंसर है कि अगर एक ट्रेन किसी पर्सन जिसका कि देखिए, अगर हम देखें कि साइज ऑफ अ ट्रेन, साइज ऑफ अ मैन आप कंपेयर करो तो साइज ऑफ ट्रेन, साइज ऑफ मैन इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन. तो एक, इफ अ ट्रेन इज पासिंग अ मैन, अगर ये ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करते हुए जा रही है तो वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितना उस ट्रेन का लेंथ है. विल बी द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन. ओके, सो दिस डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो यहां पे हमारे पास डिस्टेंस आ गया कि कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, 280 मीटर. नाउ आप देख सकते हो कि यहां पे डिस्टेंस तो मीटर में है लेकिन स्पीड है किलोमीटर पर आवर में. सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट, 42 किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड. सो फॉर दिस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से. सो यू कैन कैंसिल आउट 00 एंड देन 7 6 7 एंड 6 6 3 एंड 5. सो दिस इज व्हाट, 35/3 मीटर पर सेकेंड. इतना डिस्टेंस ट्रैव, इतना स्पीड होगा मीटर पर सेकंड में किसका, ट्रेन का. तो इसको सॉल्व करते हैं. अब यहां पर वी अगेन मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा कि हम कर रहे हैं डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन में. ओके, सो वी नाउ टेक, वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम, राइट. सो वी टेक हियर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस एट एक्स एंड टाइम एट वाई. ओके, तो स्टूडेंट्स मैं अगर आपको पूछूं कि स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, तो स्पीड को अगर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. स्पीड को आप क्या बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 35/3 meter, 35/3 meter. तो यहां पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 35/3 meter. सो 1 सेकेंड में ट्रैवल किया 35/3 meter. तो अब हमको ये पता लगाना है कि 280 मीटर क्रॉस करने में, विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन, कितना टाइम लगेगा. अब यहां पे देखो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम, हमने देखा था कि डिस्टेंस एंड टाइम इन दिस सिचुएशन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. कौन सी कंडीशन में, जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब ट्रेन एक ही स्पीड से जा रही हो. तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा x1 by y1 is equal to x2 by
y2. So we can now solve 35 by 3 by 1 का मतलब चलिए आप कर लीजिए यहाँ पे 280 by y. So y equal to y is equal to 280 into 3 by 35. So now you can divide 7 5s are 7 4s are 5 1s are 5 8 3s are 24 seconds. 24 seconds का time लगेगा, right? So question number 6 is a train 350 meter long crosses an electric pole in 28 seconds. Find the speed of the train in kilometer per hour. So आप जैसा एक पिक्चर हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हो एक ट्रेन है और ये इस पोल को क्रॉस कर रहा है, राइट? और इस पोल को क्रॉस करने में उसको 28 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है और पोल जो हमारी ट्रेन है उसका लेंथ है 350 मीटर. अगेन ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 जैसी ही सिचुएशन है स्टूडेंट्स के, जब ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही थी, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए एक पर्सन को क्रॉस कर रही थी, तो हमने देखा था कि ट्रेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है. तब हमने देखा था कि वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जितना कि ट्रेन का लेंथ है. तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, क्योंकि पोल की भी जो विड्थ है वो ट्रेन की लेंथ के सामने नेग्लिजिबल है, तो इसको क्रॉस करने में ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जितना उसका लेंथ है. सो अगेन वी कैन राइट दैट डिस्टेंस covered by train in this situation will be equal to length of the train. Length of the train itself. So now again we make a rectangular box जैसा कि हम solve करते आए हैं. अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास, दो क्वांटिटीज़ हैं. एक तो हमने देखा कि 350 मीटर क्रॉस करने में उसको 28 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो हमको देखना है कि 1 सेकंड में, देखिए स्पीड का मतलब यही होता है कि अगर 28 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो हमको ये बताना है कि स्पीड का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वही आपकी स्पीड है. So here we take distance and for distance we take x and here we take time and for time we take y. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 350 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 28 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इन 1 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस दे आर गोइंग टू कवर. तो ये बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन है स्टूडेंट की, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा. सो इट मींस यू कैन पुट द फॉर्मूला x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2. ओके, सो फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स नाउ यू कैन जज दैट 350 बाय 28 इज इक्वल टू x बाय 1, विच मींस x की वैल्यू हो गई, यहां पे हम कैंसिल कर देते हैं 350 और 28 को, 7 4 जा एंड देन 7 5 जा 0 2 2 जा एंड देन 2 25. सो द आंसर इज 25 बाय 2. इट मींस दिस इज व्हाट 25 बाय 2 मीटर, 1 सेकंड में देखिए 25 बाय 2 मीटर. तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. तो स्पीड हमारी क्या हुई अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखें, so this is 25 by 2 meter per second. But now here we have to convert this into kilometer per hour. So for that क्या करेंगे हम, देखिए 25 को हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 यहां पर रहेगा और 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट? सो नाउ यू कैन कैंसल द जीरोज, 5 टूज आर 5 फाइव आ और यहाँ पे 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 वन 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ ब्रिज इन 13 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आप ध्यान दो कि जब ट्रेन क्रॉस कर रहा था एक मैन या फिर एक पोल को, तो हम क्या लिख रहे थे? हम लिख रहे थे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, बोथ द सिचुएशन ओके। पर यहां पर इस बार ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक ब्रिज को, ब्रिज को। अब देखिए विड्थ ऑफ अ मैन एंड अ पोल, अगर आप उसको कंपेयर करें ट्रेन की लेंथ के सामने, तो वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल है। पर यहां पर ब्रिज इज क्वाइट लॉन्ग, तो आप सोच कर बताइए कि इस सिचुएशन में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो द डिस्टेंस Distance covered by train in this situation will be equal to length of the train plus length of the bridge. Length of the bridge. अब bridge की length आपको पता नहीं है, तो assume कर लेते हैं हम कि bridge की length कितनी है। Bridge की length है x, तो इस case में डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन ट्रेन हो जाएगा 150 प्लस एक्स मीटर, 150 प्लस एक्स मीटर। अब यहां पर हमारे सामने दिया हुआ है उसकी स्पीड, और स्पीड दी हुई है हमको किलोमीटर पर आवर में, स्पीड इज व्हाट 72 किलोमीटर पर आवर, पर हमारे ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो मीटर में है और टाइम सेकेंड में, सो विल कन्वर्ट दिस इंटू मीटर पर सेकेंड। So for that we multiply by 1000 and then we divide by 3600. So we cancel out the 00, 36 ones are 2s are. So this is 20 meter per second जो है इसकी speed हो गई। अब speed का मतलब ही है students distance covered in 1 second. So let's make a rectangular box. ओके, सो लेट्स मेक अ बॉक्स, और हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां हम ले लेंगे डिस्टेंस को, और डिस्टेंस क्योंकि मीटर में है उसको हम लेते हैं यहां पे एक्स, और टाइम जो कि सेकंड में है उसको हम उसके लिए हम ले लेते हैं वाई। ओके नाउ आप देख सकते हो कि 150 प्लस एक्स, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को टाइम लगता है 13 सेकेंड्स। तो अब हम और हम ये देख सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना टाइम, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 20 मीटर पर सेकंड। अब आप देखो कि जो डिस्टेंस और टाइम है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज क्लियरली इन डायरेक्ट वेरिएशन, सो एक्स वन बाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से आप लिख सकते हो That 150 plus x by 13 is equal to 20 by 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 150 plus x is equal to 20 into 13, which will be equal to 260, 150 plus x. So x is equal to 260 minus 150. So this is what 110 meter. So length of the bridge is 110 meter. So length of this bridge is 110 meter. Hope you understood. चलिए next question solve करते हैं। Number 8, how long will a train 120 meter long take to clear a platform 130 meter long? If the speed of train is 50 km per hour, speed is 50 km per hour, and the length of the train is 120 meter. The length of the train is 120 meter. And the length of platform is also given. The length of platform is 130 meter. तो जैसा आप देख सकते हैं कि पिक में कि यहाँ पर एक platform दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि फिर से जो पिछली सिचुएशन थी हमारे सामने ब्रिज वाली सिचुएशन, आप देखो
कि एक ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था, तो वो इक्वल था लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है स्टूडेंट्स, अगर इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वो डिस्टेंस इक्वल होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो डिस्टेंस कवर्ड इन दिस सिचुएशन विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 120 प्लस 130, तो हाउ मच डिस्टेंस इट हैज टू कवर, इट हैज टू कवर 250 मीटर, 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब इस पे हमको ये टाइम पता करना है कि ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, पर उसके पहले हमारे पास जो स्पीड है, जो हमारी हमारे पास स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। ओके सो दिस 00 यू कैन नाउ कैंसिल, 218 एंड देन 2 5s are, again now 2 9s are and then 2 25s are. So 25 5s are 125/9 meter per second. Per second का मतलब ये है कि 1 second में जो ये train है वो 125/9 meter distance travel करती है। तो हमको ये बताना है कि 250 meter travel करने में उसको कितना time लगेगा। As usual हम बना लेते हैं एक rectangular box, और रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम अपने डिटेल्स लिखते हैं। यहां पर फिर से समझने की जरूरत है कि रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो देखिए स्टूडेंट, जितना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ट्रेन को उतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है कि वन क्वांटिटी इंक्रीज होगी, हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हम यहां पर ले लेते हैं डिस्टेंस के लिए x और टाइम के लिए हम ले लेते हैं y। तो आप देखो 1 second में, 1 second में ये ट्रेन 125/9 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो हमको ये देखना है कि कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स में ये 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। बिल्कुल फॉर्मूला हम लिख देते हैं आगे, डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला। तो अब आपको याद हो गया होगा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। सो दिस इज 125/9/1 इज इक्वल टू 250/y। तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 250 × 9/125। सो दिस इज 125 1s and 125 2s, सो y इज इक्वल टू 9 2s 18 seconds का टाइम लगेगा स्टूडेंट्स उस ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, राइट। होप यू मस्ट हैव मस्ट अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन 210 meter long took 12 seconds to pass a 90 meter long tunnel. Find the speed of the train. So we have to find the speed of the train. यहाँ पर भी students वही situation है जो bridge वाले case में थी और जो platform वाले situation में थी। मतलब train को अगर इस tunnel को आपने देखा है ना ऐसे, right? So इस tunnel को cross करने में उतना ही distance travel करना पड़ेगा जितना इन दोनों के डिस्टेंस का सम है, लेंथ का सम है। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। सो इस केस में आप देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा,
ट्रेन की लेंथ है 210 मीटर और टनल की लेंथ है 90 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। अब आप देखो कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, या जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। ओके, सो अगेन वी राइट द रिलेशन इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। और यहां पर हम लेते हैं डिस्टेंस के लिए लेते हैं हम एक्स, और टाइम के लिए हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स वाई। अब आप देखो 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगता है, 12 सेकंड। तो अब हमको बताना है स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो वी हैव टू टेल दैट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसकी जगह पे हम ले लेते हैं एक्स। और अब आपको पता ही है कि डायरेक्ट वेरिएशन में रिलेशन क्या होता है, एक्स वन बाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू। तो यहां से इस रिलेशन से आप लिख सकते हो 300 बाई 12 इज इक्वल टू एक्स बाई वन। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो दिस इज 3 4 जा एंड 3 से ही हो गया 100 टाइम्स, और ये हो गया 4 1 जा और ये हो गया 25। सो एक्स इज इक्वल टू 25 मीटर। सो द स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आप देख सकते हो, स्पीड आ गया है 25 मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से और हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, राइट। सो 0000 कैंसिल, 5 2 जा एंड देन 5 5 जा, 2 1 जा एंड देन 2 18 जा, 18 5 जा होता है 90। सो 90 किलोमीटर पर आर, ये उस ट्रेन की स्पीड है। होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। सो यहां पर आपके पास ट्रेन की लेंथ है और ट्रेन की लेंथ है 270 मीटर और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है आपके पास, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 130 मीटर। तो अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्लेटफॉर्म वाले, ब्रिज वाले या फिर टनल वाले, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है वो कवर कर रही है इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो इन दोनों को हमको ऐड कर देना है, दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। अब हमारे पास यहां पर जो स्पीड है वो है किलोमीटर पर आवर में, जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर सेकंड में, और उसके लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो 4 9 जा 4 2 जा, सो दिस इज 200/9 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आइए बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, पर उसके पहले ये समझ लीजिए कि यहां पर अगेन टाइम और डिस्टेंस डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतने ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेन को, राइट। सो नाउ वी मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एज विजुअल। To show the relation, तो यहां पर हम लेते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हम ले लेते हैं वेरिएबल x, और डिस्टेंस बिल्कुल मीटर में है, वैसे ही हम ले लेते हैं टाइम, और टाइम के लिए हम ले लेते हैं वेरिएबल y जो कि सेकेंड में है। सो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको टाइम कितना लगता है ये हमको पता करना पड़ेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। अच्छा स्टूडेंट, स्पीड का मतलब है कि 1 सेकंड में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 1 सेकंड में 200/9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ट्रेन, तो हमको ये बताना है कि 400 मीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो अननोन
वैल्यू के लिए हम लिख लेते हैं वहां पर y, और क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो x1 by y1 is equal to x2 by y2, अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। सो 200 by 9 by 1 is equal to 400 by y, इसको आगे सॉल्व करते हैं और तो ये हो जाएगा y is equal to 400 into 9 by 200, so 200 ones are 2s are, so y is equal to 9 2s are 18 seconds, so इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में स्टूडेंट्स ट्रेन को लगेगा 18 seconds का टाइम, 18 seconds, so hope you understood this worksheet 3, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का ब्रेन टीजर।